तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो एक्सिस बैंक का मैग्नेस क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के डीवैल्यूएशन के बाद इसमें कौन कौन से बेनिफिट जो है वो रह गए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो डीवैल्यूएशन है वो 20 अप्रैल 2024 से लागू होगा, और 20 अप्रैल से पहले अगर आप इससे शॉपिंग करते हैं या कार्ड को यूज करके कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जो रूल पहले था वही रूल जो है इस पे अप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहला जो चेंजेस किए गए हैं वो ये कि अगर आप इंश्योरेंस बाय करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके, या फ्यूल जो है वो डलवाते हैं, या फिर गोल्ड या फिर ज्वेलरी जो खरीदते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के, तो उस पे जो है आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरे को सबसे ज्यादा बुरा न्यूज लगा इस क्रेडिट कार्ड को लेके। एटलीस्ट फ्यूल के लिए तो आप रिवॉर्ड पॉइंट दे देते, लेकिन फ्यूल का भी जो है इसमें फैसिलिटी हटा दिया गया है। इसके बाद जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वो ये कि एक्सिस बैंक ने जो है वो दो ग्रुप में इसको बांट दिए हैं, यानी कि ये जो एज रिवॉर्ड मिलता है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि एक ग्रुप ए में और दूसरा ग्रुप ए यानी कि दूसरा ग्रुप बी में। तो अगर आपके पास जो रिवॉर्ड पॉइंट है और उसका अगर आप रिडीमशन चाहते हैं, यानी कि उसको आप जो है रिडीम करवाना चाहते हैं, तो अगर आप इनमें से किसी को यूज करते हैं, जैसे कि एकॉर होटल हो गया, एयर कनाडा हो गया, तो इन सब में जो है आप मैक्सिमम 1 लाख जो इनका एज पॉइंट है उतना ही यूज कर पाएंगे एक साल में। वहीं पे अगर आप ग्रुप बी को यूज करते हैं, जैसे कि एयर फ्रांस हो गया, एयर इंडिया हो गया, तो इन सब में जो है वो एक साल में आप 4 लाख रिवॉर्ड पॉइंट को जो है वो रिडीम कर सकते हैं। तो ये मेरे को तो ऑप्शन ही गलत लगा कि मतलब ग्रुप में क्यों डिवाइड कर दिया, यानी कि इधर स्पेंड करेंगे तो अलग रिवॉर्ड पॉइंट यूज कर सकते हैं, इधर करेंगे तो अलग। तो इसका तो लॉजिक ही मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में जरूर करना। वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ नेक्स्ट चेंजेज की, तो वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से इंश्योरेंस आ गया और फ्यूल आ गया और गोल्ड एंड ज्वेलरी। तो इसको अगर आप यूज करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे यूज करते हैं, तो इनका जो ट्रांजेक्शन है वो आपको वेव ऑफ जो होता है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि इस वाले क्रेडिट कार्ड का जो ईयरली चार्ज है वो 12,500 रुपये है। तो अगर आपको ये 12,500 वेव ऑफ करवाना है, तो आपको जो है एक साल में ₹25 लाख स्पेंड करने होते हैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके। तो ये जो 25 लाख आप स्पेंड करते हैं, तो ये 25 लाख काउंट नहीं होंगे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज है वो इंश्योरेंस बाय करने के लिए खरीद यानी कि यूज करते हैं, या फिर गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए करते हैं, या फिर गोल्ड एंड ज्वेलरी के लिए करते हैं। तो ये तो मेरे को और भी ज़्यादा खराब न्यूज लगा कि आपको 25 लाख तक पहुँचने के लिए आपको सिर्फ फ्लाइट का टिकट बुक करो, या फिर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करो, तो इन सब में जो है 25 लाख पहुँचना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंश्योरेंस और गोल्ड ज्वेलरी में तो जल्दी जो है वो 25 लाख का माइलस्टोन पूरा हो जाता था। तो इनडायरेक्टली ये है कि आपको मैग्नस क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो एक्सिस बैंक आपको ये कहना चाहता है कि आपको जो है वो 12,500 रुपये तो ईयरली देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बाद इनके कुछ फीचर्स को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जो कि 25 यानी कि 20 अप्रैल से अप्लीकेबल हो जाएगा। 20 अप्रैल के बाद से ये हट जाएंगे। और उसमें ये है कि आपको पता है कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप बाय वन गेट वन टिकट जो है वो अवेलेबल कर सकते थे, यानी कि बुक माई शो से अगर एक टिकट बाय करते थे तो आपको एक जो है वो फ्री में मिलता था। तो 20 अप्रैल के बाद इसको भी हटा दिया गया है। तो 12,500 रुपये आप ले क्यों रहे हो जबकि आप सारा फैसिलिटी हटा ही रहे हो। इसके बाद जो है वो 24/7 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्साइज सर्विस मिलता था, जो कि एयरपोर्ट पे काफी बेनिफिशियल होते थे अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं। तो इस वाले फैसिलिटीज को भी जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसके बाद जो है 8 इलिमेंट्री यानी कि मीट एंड एग्जिट सर्विसेज जो थे उसको भी जो है वो 20 अप्रैल से जो है उनको भी जो है वो हटा दिया गया है। अगर आप लॉन्ज एक्सिस का फायदा उठाना चाहते हैं मैग्नेस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको पिछले 3 महीने में ₹50,000 तक क्रेडिट कार्ड को यूज करके जो है आपको स्पेंड करना पड़ेगा। और ये जो 50,000 का स्पेंड है इस पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप इस पे फ्यूल भी डलवा सकते हैं, वो भी ऐड होगा, ज्वेलरी भी ऐड होगा। इसके बाद जो कोई भी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वो सारा ऐड करके आपको जो है पिछले 3 महीने में 50,000 का शॉपिंग करना पड़ेगा, तभी जो है आप इसके जो लॉन्ज एक्सिस का बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। तो इस बेनिफिट को जो है वो दो क्राइटेरिया में जो है वो डिवाइड किया गया है।
पहले तो वो कि जो नए नए मैग्नेस का क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई करते हैं, तो मान लीजिए कि अभी 21 मार्च है और मार्च के महीने में कोई जो है वो मैग्नेस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है और मार्च के महीने में जो है वो उसका अप्रूवल मिल जाता है, तो उसको जो है पूरी मार्च में और पूरी जून में, यानी कि मार्च, अप्रैल और फिर जून, इन 3 महीने में जो है वो लॉन्ज एक्सिस का फायदा उठा सकते हैं। उसको 50,000 रुपये का क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है, और वहीं पे जो है उसका क्रेडिट कार्ड जो है वो 20 मार्च को या फिर 21 मार्च को या फिर 22 मार्च को अप्रूव हुआ था, और वो जो है 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जो है वो अगर इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं लॉन्ज एक्सिस का, तो उसको जो है 50,000 रुपये का जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा, और उसका जो मंथ होगा उसको अप्रैल में और इसके बाद मई में और इसके बाद फिर जून में, तो यानी कि इन 3 महीने में जो है टोटल मिला के उसको 50,000 का स्पेंड करना पड़ेगा, तभी जाके उसको 1 जुलाई से लेके अगले जो भी उसका जो टाइमिंग होगा उसमें वो लॉन्ज एक्सिस का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल आपको लॉन्ज एक्सिस कितने मिलेंगे, तो उसमें जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। आपको डोमेस्टिक में 4 मिलेंगे और इसके बाद इंटरनेशनल में भी 4 गेस्ट मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्रेडिट कार्ड को 12,500 रुपये दे करके ना के बराबर फैसिलिटी यूज करके कोई फायदा है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, आप नीचे में कमेंट में जरूर बताना, मैं वहां पे रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी इसी तरह के क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।